टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट लेसन वन कन्वर्जेशन टॉपिक। इस टॉपिक में हमने जो कवर किया है वो आप कैसे हैं, नाम पूछना और नाम बताना सीखेंगे। ओके, क्या होता है जब भी हम किसी से मिलते हैं तो इंग्लिश में जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम नहीं कर पाते, तो इस लेसन में हमने वही कवर किया है। जैसे कि आपको देखता होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे माई नेम इज़ स्टेफन, ओके, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इसको हिंदी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मेरा नाम है स्टेफन। ओके, अब यहाँ पे दिया है मेरा नाम है पूजा, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे माय नेम इज़ पूजा। ओके, सो ये सिंपल है, माय मीन्स मेरा, नेम मतलब नाम, और जो भी आपका नाम है पूजा, मधु, शाहरुख, सैफ, हाँ ये नाम है, और इसका मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट आई एम लुइस, इस तरह भी अपना नाम बता सकते हैं, आई एम लुइस मीन्स मैं हूँ लुइस, आई एम मतलब मैं हूँ, वहाँ पे हमने माय नेम इज़ बताया था, ठीक है। आई एम मीन्स, अभी यहाँ पे दिया है नेक्स्ट एग्जांपल, मैं पूजा हूँ, सो आई एम पूजा। ओके, सो ये सिंपल से अपना नाम बताना है, ठीक। जब नाम पूछते हैं सो व्हाट इज़ योर नेम, याद रखना है, आप जब भी किसी से नाम पूछते तो व्हाट इज़ योर नेम, क्या है आपका नाम, मीन्स हम बोलते हैं आपका नाम क्या है, सो व्हाट इज़ योर नेम, नाम बताना सीखें। और नाम पूछेंगे कैसे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, आपका नाम नेहा है, जब हम किसी से कंफर्म करते हैं, ठीक है, सो हम उससे पूछेंगे योर नेम इज़ नेहा, सो ये क्वेश्चन मार्क, हम कंफर्म कर रहे हैं आपका नाम नेहा है, योर नेम इज़ नेहा। ये स्लाइड में डायलॉग्स दिए हुए हैं जो पहले प्रैक्टिस किया है। ओके, सो यहाँ पे दिया व्हाट इज़ योर नेम, ये क्वेश्चन मार्क, हम जब नाम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, सो यहाँ पे डायलॉग दिया है, जब पूजा बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, सो नेहा बताती है माय नेम इज़ नेहा, पूजा बोलती है आई एम पूजा, ठीक है, नेहा नाइस टू मीट यू, पूजा सेम हियर, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, नाइस टू मीट यू मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, और सेम है मीन्स आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। सो ये सिंपल सा बेसिक, जब हम किससे मिलते हैं तो इतना इंट्रोडक्शन हमें सिर्फ इंग्लिश में करना है। हेलो, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, ये बोलना सीखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेजेस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हाउ आर यू, दैट मीन्स आप कैसे हो। ओके, फिर उसका आंसर लिखा हुआ है आई एम फाइन थैंक यू। ओके, सिंपल हम आई एम फाइन यूज़ करते हैं, लेकिन डिफरेंट पीपल अदर वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे ऑल वेल, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, तो ये चीज़ों में से आप कोई एक बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ आर यू, तो आप बोल सकते हो आई एम फाइन थैंक यू। ओके, यहाँ पे एक और अदर एग्जांपल दें, आई एम ग्रेट थैंक यू। सो इसको हम और डीप में गौर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, डायलॉग से समझते हैं। हेलो माय नेम इज़ पूजा, आई एम अ स्टूडेंट। हेलो पूजा, आई एम प्रिया, आई एम अ टीचर, नाइस टू मीट यू। अभी इससे पहले हमने सिर्फ नाम पूछना और बताना सीखे, यहाँ पे ग्रीटिंग के साथ हम क्या करते हैं वो बताना सीख रहे हैं, राइट। अभी पूजा ने ग्रीटिंग किया, अपना नाम बताया, और वो स्टूडेंट है ये बता रही है। सो हेलो पूजा, प्रिया बोलती है आई एम प्रिया, और प्रिया एक टीचर है, हाँ नाइस टू मीट यू, सो नाइस टू मीट यू मतलब मैंने आपको बताया आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। सो ये सिंपल डायलॉग है जो हमें, अगर हम रिपीट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ईजिली हम जब किससे मिलते हैं तो हम इतना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर सकते हैं ईजी वे में। एक वर्ड्स शो हो रहा है, व्हाट्सअप, दैट मीन्स क्या चल रहा है। अभी कॉलेज लाइफ में जब आपसे कोई मिलता है, ओके, या आप ऑफिस जाते हो तो कोई मिलता है, तो हाउ आर यू के जगह पे ये भी बोल सकते हैं व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, हाँ, या तो ये बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो आपको उसका आंसर देना होता है, ये जो वर्ड्स हैं, हाँ ये जो डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं व्हाट्सअप, ये याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पे सिंपल हाउ आर यू, ओके, हाउ मीन्स कैसे, आर मतलब है, यू मतलब आप कैसे हैं। यहाँ पे टिप दिया है कि हम आई का और यू का यूज़ कैसे करते हैं, तो हम आई के साथ एम का यूज़ करते हैं और यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टू बी वर्ब, अंग्रेजी में जो वर्ब है वर्ड्स इज एम आर, इसको हम हिंदी में है हूँ है ये बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसका यूज़ आई के साथ एम का करते हैं, यू के साथ आर का करते हैं, तो ये
आप इसको याद रखना, यहाँ पे जो टिप दिया है वो हाउ आर यू डूइंग, मतलब आप कैसे हैं। अमेरिकन जो पीपल्स होते हैं वो हाउ आर यू डूइंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है हेलो व्हाट्सअप, माय नेम इज़ पूजा, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक, जिसका नाम हम नहीं जानते। सो हाय आई एम नेहा, हाउ आर यू, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो मैंने व्हाट्सअप मीन्स बताया था आपको, व्हाट्सअप मीन्स क्या चल रहा है, ठीक है, तो सिंपल है। देखो अब इसका आंसर हमें देना है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। सिंपल है, बस हमें प्रैक्टिस करना है और इंग्लिश में इतना इंट्रोडक्शन तो करना है, एटलीस्ट हमें सीख जाना है, ठीक है। आप फिर से मैंने ये डायलॉग लिया है क्योंकि आपको यही ही प्रैक्टिस करना है। हेलो माय नेम इज़ पूजा, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाय आई एम फाइन एंड यू, फाइन थैंक यू। सो बेसिक से 5-6 सेंटेंसेस हैं जो आपको याद करके जब किससे मिलते हो आप तो आपको बोलना है। आई होप सो ये आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ये एटलीस्ट जो जो बिगनर हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा वीडियो है कि अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो जो उनकी नर्वसनेस है वो दूर हो जाएगी और वो एटलीस्ट इजीली इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कर पाएंगे। सो थैंक यू।